आत्मीय विद्यार्थी तमेलू कमदे आगिंत यूट्यूब चानल स्टडी विथ परशुराम स्वागत को इंदीन वीडियो मोस्ट इंपारटेंटी पद्य भाग बरतक किलिष्टु प्रश्न नोड़ याके बहुत रीतियांत अंकलिके कूड़ा इतना सहकारी आते आमले बहुत वीडियो नीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट मीनि अपदे नो खंडित 70 अबव निम्बू स्कोर आगे आते सो मातृभूम प्रश्नोत्तर वाक्य नोड़ आलरे नान एरमूर वाक्यूस कवि भगवती चरण वर्मा किसे प्रणाम कर रहे हे मातृभूमि को भारत माँ के हाथों में क्या है न्याय पताका का और ज्ञान दीप आज माँ के साथ कौन है कोटि कोटि जन सभी ओर क्या गूंज उठा है जय हिंद का नाथ भारत के खेत कैसे है हरे भरे सुहाने भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है खनिज रूपी धन सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रहे हैं मुक्त हाथों से जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं भारत माता से जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गुंजना चाहिए सकल नगर और ग्राम मातृभूमि कविता के कवि कौन है भगवती चरण वर्मा सकल नगर और ग्राम में क्या गुंजना चाहिए जय हिंद का नाद भगवती चरण वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है विचार और नवजीवन भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कौन सा उपन्यास फिल्म पर निर्माण हुआ है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कौन सा उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भूले बिसरे चित्र कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को कितने बार प्रणाम कर रहे शत शत बार प्रस्तुत कविता में किसकी झलक दिखाई देती है देश प्रेम की मातृभूमि कविता से किसका परिचय प्राप्त होता है भारत की महानता मातृभूमि के अंदर कौन कौन सोए हुए हैं गांधी बुद्ध और राम भारत माता मुक्त हस्त से क्या बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम अनुरूपत नोड़ी वसीयत नाटक चित्रलेखा उपन्यास शत शत द्विरुक्ति हरे भरे शब्द युग्मा बाएं हाथ में न्याय पताका दाहिने हाथ में ज्ञान दीप हस्त हाथ पताका झंडा समय की पहचान सियाराम शरणगुप्त मातृभूमि भगवती चरण वर्मा भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका दूसरे हाथ में ज्ञान दीप जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा माँ के साथ कोटि कोटि लोग मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम समय की पहचान सियाराम शरणगुप्त मातृभूमि भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम माँ के साथ कोटि कोटि लोग अंतकंतदो सो टोटली वन मार्क्स के निम्गे मातृभूमियल्ली बरतक्कंत प्रश्नोत्तर मत्तु नानेन माडिदीनि अंतंद्रे अनुरूपतगळन्नु हेळिदे सो इवाग मुंदिन ओंदु पद्य एस अभिनव मनुष्य पद्य के होगोण नोडि आज की दुनिया कैसी है विचित्र नवीन मानव के हुक्मों पर का चढ़ता उतरता है पवन का ताप परमाणु किसे देखकर कांपते हैं मनुष्य के करों को अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है रामाधारी सिंह दिनकर आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है प्रकृति के हर तत्व पर नर किन किन को लांग सकता है सरितगिरी सिंधु आज मनोज का यान कहाँ जा रहा है गगन में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ 1904 अभिनव मनुष्य पद्य भाग को किस काव्य संकलन से लिया गया है कुरुक्षेत्र नर के करों में क्या बंधे हुए है वारी विद्युत भाव यह मनुष्य किसका आगर है ज्ञान विज्ञान आलोक का मनुष्य का श्रेय किसमें है बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत असीमित मानवों से प्रीत मानव मानव के बीच के स्नेह कैसा बांध बांधना है स्नेह का बांध बांधना अभिनव मनुष्य कविता में किसका विश्लेषण हुआ है वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का मानव को मानव किसका ज्ञेय है व्योम से पाताल तक का ज्ञेय उसमें है मनुष्य की साधना क्या है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की साधना है गिरी पहाड़ वारी नदी पवन वायु सिंधु सागर जमीन आसमान आकाश भूमि नर आदमी उर हृदय मातृभूमि भगवती चरण वर्मा अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर अंतकंतदु इत्तु नेक्स्ट पद्य के होगण तुलसी के दोहे दल्लिरतक्कंतदु मोस्ट इंपॉर्टेंट आगिरतक्कंत प्रश्नेगळु मुखिया को किसके समान होना चाहिए मुख के समान सृष्टिकर्ता ने इस संसार को किससे बनाया है जड़ चेतन गुण और दोषों से साधु की तुलना तुलसीदास किससे किया है हंस से तुलसीदास दया को किसका मूल मानते हैं धर्म का तुलसी के अनुसार मानव को क्या छोड़ देना चाहिए अभिमान मनुष्य के विपत्ति के साथी कौन है विद्या विनय विवेक मनुष्य की शुद्धि क्या जपने से होती है राम नाम जपने से दिया देहरी रखने पर क्या होता है प्रकाश मिलती है घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है तुलसीदास शरीर को क्या मानते हैं यस प्राणों की रक्षा करने वाला प्रमुख अंग
तुलसी के अनुसार राम नाम जपने से क्या होती है? मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। हंस का गुण कैसा होता है? दूध को ग्रहण करना होता है। मुख किसका पालन? सारे शरीर का। तुलसीदास की शाखा के कवि हैं राम भक्ति। तुलसी के माता पिता का नाम, पिता आत्माराम माता तुलसी। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। पाप का मूल क्या है? अभिमान। दया किसका मूल है? धर्म का। दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल। परिहरी त्यागना कर्तार सृष्टिकर्ता। जीह जीव देहरी फाटक। साहित्य लहरी सूरदास विनय पत्रिका तुलसीदास। देहरी की तुलना जिद से, दीप की तुलना राम नाम से। पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया के स्वभाव मुख्य के समान। जीप की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से। अंतकंत इन समय की पहचान अंत पद्यदल्ली ना नोड़ सो इलिंद कूड़ा निम्हे यहाँ अंकू मोस्ट इंपार्टेंट आगे बर्तवे अंत। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? समय नष्ट करने से। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आलस। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? भगवान ने। कवि किस पर विश्वास रखने को कहते हैं? आत्मा पर। समय को खोने से क्या होता है? पछताना पड़ता है। किसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए एक पल को? क्या भगा देना है? संदेह। किस पर विश्वास रखना है? आत्मा। क्या खोने से पछताना पड़ता है? समय के खोने से। समय की पहचान कविता के कवि कौन है? सियाराम शरणगुप्त। आलस परिश्रम नष्ट लाभ, जानो मानो लगा दो भगा दो, धन निर्धन दिया लिया, जीवन मरण खोना पाना। इन सूर श्याम पद्यदल्लिरतक्कंत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नोड़वा। सूरदास को क्या माना जाता है? हिंदी साहित्याकाश के सूर्य। सूरदास की शाखा के प्रवर्तक कृष्ण भक्ति शाखा। यशोदा क्यों खुश हो जाती है? यशोदा कृष्ण के क्रोधयुत मुख देखकर और उसकी बातों सुनकर खुश होती है। सूरदास के काव्य में किसका संगम है? वात्सल्य श्रृंगार भक्ति। कृष्ण किसकी शिकायत करता है? बलराम की। यशोदा किसकी कसम खाती है? गोधन की। बलराम कृष्ण को बार बार क्या कहते हैं? तुम्हारे माता पिता कौन है? कृष्ण का शरीर किस रंग का है? काला। ग्वाल कैसे हंसते है? चुटकी दे देकर। बलराम जन्म से ही कैसे है? चुगलखोर। बच्चे स्वभाव से कैसे होते हैं? भोले। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? माता यशोदा से। बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? कृष्ण को। सूरश्याम पद के रचयिता कौन है? सूरदास। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति? बलराम। यशोदा और नंद का रंग कैसा है? गोरा। अंतकंतु इतु। चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? ग्वाल मित्र। बलभद्र बलराम कान कृष्ण। जसोदा माता नंद पिता। रिजना मोहितोना खिजाना चिड़ाना। बलबीर बलराम जसोदा यशोदा। तुलसी के दोहे दोहा सूर श्याम पद। तुलसी राम भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा। रामचरितमानस तुलसीदास सूरसागर सूरदास। जसोदा कृष्ण की माता, नंद कृष्ण के पिता। रिजाना मोहितोना खिजाना चिड़ाना। बलबीर बलराम जसोदा यशोदा। यशोदा और नंद गोरा कृष्ण काला। कृष्ण के पिता वसुदेव, कृष्ण की माता देवकी। जसोदा वात्सल्य कृष्ण भोलेपन। तुलसीदास राम भक्ति शाखा, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा। मातृभूमि प्रकृति की वर्णन, सूर श्याम कृष्ण की बाल लीला का वर्णन। इष्ट नानीन एला पद्य भाग वाक्य अनुरूपता प्रश्न तीन मत वीडियो सिंह दयमा लाइक शेर सब्सक्राइब मरदी बाय।